हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वायल्स फिफ्टी जनवरी टू ऑफ जनवरी 2024 आज है मंडे का दिन और जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में स्टडी किया था कि मार्केट में इस वीक आपको डायरेक्शन पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए अप टू द लेवल्स ऑफ एट लीस्ट 48,250 दोस्तों फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड की तो शुरुआत है अगर आप निफ्टी निफ्टी बैंक के चार्ट को देखें तो निफ्टी बैंक ने आज अपनी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसके रेजिस्टेंस को ब्रीच किया दिस वॉज द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट और आज के दिन ये लेवल्स ब्रीच हुए हैं और यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहने की उम्मीद है क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है वो सारी की सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे नाउ प्राइमे फेस से अगर आप देखें तो 48,500 के लेवल्स तो आपको आते हुए दिखाई ही पड़ रहे हैं लेकिन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज की मार्केट ब्रथ कैसे थी आज के एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखें तो आउट ऑफ 2000 स्टॉक्स करीब करीब 1100 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे एंड एडवांसिंग स्टॉक्स पर मोर देन 1100 हंड्रेड आज ज़्यादा रिलायंस की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं था उसके बावजूद भी निफ्टी फिफ्टी वॉज अप टू हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड पॉइंट्स टू हंड्रेड परसेंट नहीं टू हंड्रेड टू पॉइंट्स निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो करीब करीब साढ़े चार सौ पॉइंट्स की तेजी थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि कौन से स्टॉक में बाय करना है और कौन से स्टॉक में नहीं तो सब बात करें ग्लोबल मार्केट्स की ग्लोबल इंडैसेज में सो so, अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो थो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है डाओ जोन्स की तरफ देखें तो डाओ जोन्स में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी जो थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है यू शुड नॉट बी सरप्राइज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन आपको दिखाई पड़े लेकिन जो लेवल्स हम लोग ने स्टडी की है वो लेवल्स तो आने ही हैं वो लेवल्स कौन से उनको हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर्स की सो so, आज के टॉप गेनर्स में था विप्रो एज एज एक्सपेक्टेड दोस्तों स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हुई इसके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में इनकी जो अपसाइड है वो आ चुकी है बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा पोजिशनल है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आई सेक्टर के स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं जो भी पॉजिटिविटी है जो भी नो uh, एक्सपेक्टेशन no, है फ्यूचर आउटलुक की फ्यूचर ग्रोथ की वो सारी की सारी दोस्तों एक दो दिनों में अंदर फैक्टर इन हो जाएगी जैसा कि आपने देखा पिछले दो दिनों से दो तीन दिनों से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग हो रही इनफैक्ट वे प्रो बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं थे इनफैक्ट आई हैड रीट्रेटेड इट अकेन अगेन आज मॉर्निंग अपडेट में भी मैंने सेम ही चीज़ बोली थी अगर आपको लग रहा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग नंबर्स है तो नंबर्स आर नॉट वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफ आई सेक्टर लेकिन फ्यूचर आउटलुक फ्यूचर ग्रोथ जो वो वर, जो जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आई टी सेक्टर के स्टॉक्स में लोग बैठ कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों जिस स्टॉक में हम लोगों ने अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रखा था ओएनजीसी में स्टॉक फोर एंड तो समझ सकते हैं किस प्रकार के, के फ्यूचर्स में हुए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज इंफोसिस एंड भारतीय टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के बारे में बात करें एच डी एफ स लाइफ वज डाउन थ्रू एंड एंड हाफ परसेंट बजाज फिनेंस वॉज डाउन टू एंड हाफ परसेंट को बजाज फिनेंस और आइश मोटर्स वॉर दी अदर टॉप लूजर्स दोस्तों अगर हम लोग बात करें आ, आउट परफॉर्मेंस की सो जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पर उसमें लीड कर रहा है एस टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू नाइन हाफ परसेंट अप इन लास्ट वन वीक अगर आप देखें तो विप्रो इन्फोसिस ये सारे के सारे शामिल है इस हैं इसमें और देखें तो एक हफ्ते में छः छः सात सात नौ नौ दस दस परसेंट के आसपास भाग चुके हैं इसके अलावा हीरो मोटरकॉप एंड ओ एन जी सी आर दी अदर टॉप गेनर्स इन लास्ट वन वीक लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा धुलाई कहाँ पर हुई है तो सबसे ज़्यादा धुलाई में लीड कर रहा है एच डी एफ सी लाइफ जिसकी की धुलाई हुई है साढ़े छः परसेंट इसके अलावा बजाज फिन सर्विस डाउन सिक्स परसेंट नेस्ले इज डाउन सिक्स परसेंट बजाज फिनेंस एंड डिवीज लेवर आल्सो डाउन अराउंड फोर फोर एंड्रेड हाँ लेकिन मार्केट क्या कर रही है मतलब पिछले दिन के में कहां पर कहावरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है तो उसमें लीड कर रहा है सिप्ला इसके अलावा स्टॉक्स लाइक आईसी बैंक स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस दीजिए स्टॉक जिसको कि मार्केट एक्यूमलेट कर रही है लेकिन से कोई भी स्टॉक ऐसा मुझे बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है जिसको कि जिसमें कि एक वैल्यू भी दिखाई पड़ रही हो और ऑफकोर्स एक अच्छा स्टॉक भी हो तो ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं लेकिन इनमें किसी में भी ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम एक्स्ट्रीम बहुत अच्छी वैल्यूशन बहुत अच्छे कॉन्सोलोडेशन के बाद स्टॉक अवेलेबल हों यहीं पर दोस्तों स्टॉक कुछ कुछ समय पहले यहाँ पर एच बैंक दिखाई पड़ता था टी दिखाई पड़ता था इनफोसिस दिखाई पड़ता था टेक महिंद्रा दिखाई पड़ता था अभी ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक बार बार यहाँ पर दिखते हैं हैं तो मार्केट इनको एग्रेसिवली अक्यूमुलेट कर रही है तो so, दोस्तों जैसे कि हम लोग ने निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट किया था कि यू शुड बी एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 22,200, टू थाउजेंड और अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्योंकि उसने अभी अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स को ब्रीच किया है सो so, ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे भी कॉन्टीन्यू रहने की उम्मीद है अगर आप देखें तो आज के दिन डिस्पाइट यू नो हिकअप्स सम हिकअप्स सम हिकअप्स इन अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुई इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग नोट और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी कॉन्टीन्यू रहेगा जैसे कि निफ्टी बैंक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक ने अपनी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है जिसके रेजिस्टेंस पे बार बार वो गिर जा रहा था निफ्टी बैंक उसको आज निफ्टी बैंक ने सक्सेसफुली ब्रीच किया है 48,000 के लेवल्स को क्लोजिंग हुई है फोर्टी के ऊपर एंड इफ यू मी की व्यू क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से द वेरी फर्स्ट लेवल वे शुड बी एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी बैंक एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेवल्स तो बेसिकली दिस इज द लेवल आई एम एमिंग एट तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स आपको जल्दी ही एक्सपेक्ट करने चाहिए इन निफ्टी ऑप्शन डेटा को भी स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं डेटा तो आज के दिन एफ आई आईज ने बाइंग करी है करोड़ की एज अगेंस्ट सेलिंग बाई डी आई तो काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि एफ आई आई के द्वारा बाइंग हुई है और डी आई एस के द्वारा सेलिंग और दोस्तों मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ हाईलाइट करता हूँ कि जब मार्केट में एफ आई आई का पैसा आना शुरू होगा तो मार्केट फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है पोजिशंस वाइज अगर हम लोग स्टडी करें तो बैंक निफ्टी की पोजीशन हम लोग को ज़्यादा बुलश और ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी तो अगर हम लोग निफ्टी बैंक की पुट कॉल रेशो को देखें तो वो दिखाई पड़ रहा है वन पॉइंट टू फाइव जो कि एक बुलिश इंडिकेशन शो कर रहा है कॉल राइटिंग की पोजिशन के बारे में बात करें दोस्तों तो कॉल राइटिंग की पोजिशन अप टू द लेवल्स ऑफ फोटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है विच इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि अप टू द लेवल्स ऑफ 48,500 आपको मेजर रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अभी 48,200 के लेवल्स निफ्टी बैंक में आ चुके हैं तो अगला दो तीन सौ पॉइंट है वो वहां पर मेजर रेजिस्टेंस फेस नहीं होगा मेजर रेजिस्टेंस विल बी फेस्ड एट फोर्टी अगर ये लेवल भी ब्रीच होते हैं तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है फोर्टी तो बेसिकली जो आगे की राह है निफ्टी बैंक के लिए काफी क्लियर होती हुई दिखाई पड़ रही है वही निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी फिफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस ऑफ ट दाइस प्राइस ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड अब आपका क्वेश्चन होगा तो हो अगर आप मुझे पूछें कि ओवरऑल क्या पोजिशन निकल करके आ रही है सो so, ओवरऑल पोजिशन निफ्टी फिफ्टी में भी अग्रेसिव ही दिखाई पड़ रही है सबसे पहली कॉल राइटिंग हमको दिखाई पड़ रही है प्राइस ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेडी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई बहुत बड़ी मेजर कॉल राइटिंग की पोजीशन नहीं है तो बेसिकली जो जो मूव है वो स्मूथ ही दिखाई पड़ रहा है कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है और कोई शार्प अपसाइड की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है क्योंकि बहुत बड़ी कॉल राइटिंग शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है सो so, ओवरऑल अगर आप पूछें तो ओवरऑल एक व्यू ब्लिश निकल करके आ रहा है और ऊपर से स्मूथ मूव की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्योंकि मार्केट ने अपने हर्डल्स को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है दोस्तों बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की सबसे पहला स्टॉक है जियो फाइनेशियल अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल के चार्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जियो फाइनेंशियल का स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के दिन दोस्तों इसके रिजल्ट आने तो रिजल्ट कोई बहुत शानदार नहीं है सरप्राइजिंगली अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज को देखें तो पिछले क्वार्टर के कम्पेरिजन में रेवेन्यू में थर्टी का ड्रॉप है द रेवेन्यू इज डाउन थर्टी वहीं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर में जहाँ के प्रॉफिट सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट करोड़ से, से वहां पर आपको एक सॉलिड फिफ्टी सिक्स परसेंट का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है इन प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन दोस्तों अगर आप नंबर्स को थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ कुछ फ्रंट पे नंबर ठीक भी हैं अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें आ, एक्स डिविडेंड इनकम तो 413 करोड़ की आई है जो कि पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ की थी इंटरेस्ट इनकम आई है 269 करोड़ की 269 सिक्स नाइन जो कि पिछले क्वार्टर में थी वन करोड़ तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछिए तो नंबर्स आर मिक्सड बहुत बम्पर बहुत विस्फोटक नंबर नहीं है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी अपने जियो फाइनेंशियल क्रूशियल लेवल अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर खड़ी हुई है तो दोस्तों यहां पर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या प्राइस एक्शन होगा ये ये दोस्तों वो लेवल होता है जहाँ पर मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करता हूं या तो यहां से ये गिर ही जाए या तो यहां से ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है क्योंकि जब बिल्कुल नेक टू नेक उस लेवल पर स्टॉक uh, खड़ा हो तो वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं ले जा सकता लेकिन दोस्तों हम लोग ने स्टॉक पिक किया था द प्राइस टू हंड्रेड फिफ्टी और वहां से स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपने ऑल हाई के आसपास आकर के खड़ा हो गया है बट क्रूशली दोस्तों ये लेवल है अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहां से स्टॉक अपने टू एटी फाइव इनफैक्ट थ्री हंड्रेड तक के लेवल्स तक जा सकता है सो so, दोस्तों कल के दिन स्टॉक में क्या होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस दिस स्टॉक शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर वॉच लिस्ट सेकेंड स्टॉक दोस्तों जिसपे की हमारी नजरें होने चाहिए स्टॉक का नाम है एंजल वन अब दोस्तों इससे अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी और रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 228 करोड़ के 228 करोड़ जो कि अभी आए हैं 260.3 करोड़ तो पिछले साल के कंपेरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी में फोर्टीन का जंप है वहीं बात करें हम लोग रेवेन्यू की तो जहाँ पिछले साल कंपनी के रेवेन्यू थे सिक्स सेवन वो रेवेन्यू बढ़ करके आए हैं वन करोड़ तो अगर आप रेवेन्यूज के फ्रंट में बात करें तो फोर्टी

1800 और 2000 उसके बाद मैंने स्टॉक को फिर नहीं पकड़ा है क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों ये स्टॉक सितंबर अक्टूबर में मतलब अभी से छः महीने पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1500 के प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्लोज टू 4000 मेरे हिसाब से दीज ऑल स्टॉक्स हैव बिकम वेरी वेरी ओवर वैल्यूड और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अगर आप प्रॉफिट को बुक करके अपने पास कैश फ्री कर लेते हैं देर देर इज शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा ओवर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं इसके लिए दोस्तों एक और स्टॉक है जिसपे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं स्टॉक का नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 51.2 करोड़ जो कि बढ़ करके आए हैं 65.4 करोड़ आउटस्टैंडिंग नंबर्स नेट इंटरेस्ट इनकम जहाँ पिछले साल थी वन सिक्सटी की वो बढ़ करके अभी आई है टू हंड्रेड मतलब पिछले साल के कम्पेरिजन में नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप थर्टी अगर हम लोग बात करें एन पी ए की कैसे एसेट क्वालिटी कैसी है तो पिछले क्वार्टर में जो यू नो जो ग्रॉस एन पी ए था वो था टू पॉइंट थ्री फोर परसेंट जो कि रिड्यूस होकर के ये एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है नेट एन पी ए ग्रॉस एन पी ए कम हुए हैं और ग्रॉस एन पी आया है टू पॉइंट वन नाइन परसेंट तो हर एक फ्रंट पर दोस्तों हम लोग को बेहतरीन नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं स्टॉक भी अपने बॉटम लेवल्स वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड थर्टी फाइव से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर दोस्तों अगर जो अगला मेजर रेजिस्टेंस देखें तो वह वह है करीब वन फिफ्टी के आसपास तो ये जो लेवल है ये जो मूव है वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट जो बड़ा मूव होगा वो तभी होगा जब 150 के लेवल्स ब्रेकआउट होंगे तो दिस इज ऑल्सो स्टॉक जिस पर कि आप नज़रें रख सकते हैं दो और शॉक है दोस्तों जिस पे की आपकी नज़रें होनी चाहिए वन इज़ एच पी एल एच पी एल जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कंपनी आ, मीडिया की नज़रों में तब आई थी जब इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था स्मार्ट मीटरिंग का और आज के दिन फिर से कंपनी ने 240 करोड़ का आ, स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है यू नो एडवांसिंग इंडियाज मीटरिंग मॉडर्नाइजेशन करके 240 करोड़ का मैंने uh, you know, एक बड़ा ऑर्डर लिया है मैंने you know, अगर आप मुझसे पूछें कि स्टॉक में क्या दिखाई पड़ रहा है स्टॉक में क्या पोटेंशियल है so, stock, तो, सो स्टॉक दोस्तों टू के मिड में ट्रेड कर रहा था द प्राइस ऑफ टू नो वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव एट्टी के रुपीज़ में हंड लास्ट टाइम स्टॉक को पिक किया था एट द प्राइस ऑफ वन हंड्रेड पे भी पिक किया था वन पे पिक किया था उसके बाद मैंने स्टॉक को टच नहीं किया स्टॉक हैज़ बीन राइजिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ हंड्रेड टू एज हाई एज थ्री एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक मेरे हिसाब से स्टॉक में अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है पर अगर आप मुझसे पूछें कि क्या करना है तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक कॉन्सोलोडेट करता है या फिर इफ ऑन एनी गिवन बैड डे अगर आपको स्टॉक 200 से 250 के बीच में मिलता है आई थिंक दैट शुड ओनली बी दी बाइंग रेंज अभी स्टॉक में दो सौ थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूंगा बिफोर बाइंग एनी फ्रेश बिफोर डुइंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पी सी बी एल दैट इज़ फिलिप्स कार्बन और कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करें आज कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं पीसीबीएल के बी पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 97 सेवन करोड्स वो बढ़ करके आए हैं 148 करोड़ मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 53 परसेंट का जंप है इन प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों जहाँ पिछले साल कंपनी के रेवेन्यूज थे वन करोड़ जो कि बढ़ के आए हैं वन सिक्स करोड़ मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में रेवेन्यू में भी ट्वेंटी का इजाफा है मार्जिन mm -hmm. जहाँ पिछले साल बारह परसेंट के मार्जिन थे ये कंपनी अभी अभी आपको 17 के के के। पे काम करती दिखाई पड़ रही आसपास। से stock इसका एक हैं तक मुझे लगता है दोस्तों इसके लिए ब्रेकआउट करना बहुत बड़ी चीज है और यहाँ से स्टॉक में आपको थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड फोर्टी तक के लेवल्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको बड़ा मूव दिखाई पड़ सकता है जो कि आपके वॉच लिस्ट पे टॉप पे होने चाहिए वीडियो पसंद आया डू डो नॉट फॉरगेट टू स्मार्श द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस अगर हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉट सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेक यूज ऑफ दम कम क्लोजर टू अस थैंक यू सो वेरी मच बाय बाय नाउ